जय जवान जय किसान साथियों, आज आपके लिए जो है लेके आए हैं महिंद्रा का अर्जुन अल्ट्रा। ये जो सामने आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये महिंद्रा का कंपनी का अर्जुन अल्ट्रा जो ट्रैक्टर है 555 DI DLX जो इस ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर जो है मॉडल है सिंक्रोमैक्स जो है गेयर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर आता है। आज इसका रिव्यू करेंगे, हर चीज़ जो इस ट्रैक्टर की बताएंगे, टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन बताएंगे। वैसे तो सभी को पता है ये टायर है ये इतने साइज़ का है, ये 750/16, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होती है ट्रैक्टर की, कितने सीसी है, कितने बोर है, कितने का स्ट्रोक है, वो सारी चीज़ें जो है हम जो है इस ट्रैक्टर की आपको जो है बताएंगे सारी चीज़ें। तो आइए जो है शुरू करते हैं सामने से। सामने जो है आप देख रहे हैं इसमें दो एलोजन लैम्प दोनों साइड, और जो है साइड में जो है फोग लाइट जो है यहाँ पे दे रखी दोनों साइड, यहाँ पे दोनों माथे पे, और जो है माथे पे जो है महिंद्रा का लोगो सामने जो है लगा हुआ, और जो है नीचे जो है यहाँ पे जो है जाली दे रखी है, और यहाँ पे भी जो है जाली दे रखी है, नीचे भी जो है इसमें जालियाँ दे रखी हैं, और जो है शानदार जो है फिनिशिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ जो है ट्रैक्टर जो है कंपनी ने निकाल रखे है। ये जाली के अंदर से होते हुए जो है रेडिएटर पर आवाज़ आती है, और जो है रेडिएटर हमारा ठंडा रहता है। एडजस्टेबल एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर दे रखे है कंपनी ने, किसान अपने हिसाब से इस ट्रैक्टर को जो है एडजस्ट कर सकता है। बहुत ही हैवी जो प्लेट इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखी है, ग्रीस करने के लिए यहाँ पे पिन दे रखी है, हैवी स्पैंडल और बहुत ही हैवी हिस्सा। ये देखो कितनी मोटी जो है प्लेट यहाँ पे जो लगा रखी है, नीचे की तरफ जो है महिंद्रा जैसे सभी ट्रैक्टरों में देती है यहाँ पे वेट दे रखे है, जिससे जो है ट्रैक्टर आगे से जो है हल्का नहीं पड़ेगा और जो है कम उठेगा ट्रैक्टर। सामने के टायर की बात करें तो 750/16 के इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट टायर आते हैं, और बैलेंस टाइप जो है पावर स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखे है। ये देखो बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग, जिसकी जो लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है इस ट्रैक्टर की जो है आगे की जो स्पेसिफिकेशन, बहुत ही हैवी हिस्सा। ये देखो कितना हैवी हिस्सा जो है ट्रैक्टर में दे रखे है। ये जो है टूल बॉक्स, किसान कोई भी सामान अपना जो है इस टूल में जो है रख सकता है। बात करें बैक टायर की तो पीछे के जो टायर हैं इस ट्रैक्टर के अंदर MRF कंपनी के 14/28 के, ये सामने देख रहे हैं 14/28 के बैक टायर इसके में जो है ट्रैक्टर में कंपनी ने दे रखे हैं। अब जो इसके इंजन और रेडिएटर वगैरह जो है वो दिखाते हैं, खोल के रख दे। ये जो है हमने इसको जो है बोनट को खोल दिया, और साइड के जो टप्पे हैं इस ट्रैक्टर के उन दोनों को भी जो हमने आसानी से जो है खोल दिया। अब जो है सामने जो नज़र आ रहा है इसमें इस ट्रैक्टर में, ये जो है यहाँ पे बोस का इनलाइन पंप जो है इस ट्रैक्टर का नज़र आ रहा है। 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है, 4 नोजल इसके अंदर लगी हुई हैं। नीचे जो है छोटी गलासी दे रखी है, और नीचे जो है फिल्टर जो है इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखा है, जिससे पंप के अंदर जो है साफ़ सुथरा जो है डीजल ट्रैक्टर के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो है 4 नोजल लगी हुई हैं, ये देखो 1, 2, 3 और ये 4 नोजल हैं। 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है, अंदर से जो है 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। ये जो है इनकी जो है वापसी की पाइप यहाँ पे सीधी जो है टंकी के अंदर दे रखी है। अब जो इंजन की बात आ गई तो इसके जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। अब जो है मैं आपको बताता हूँ इस ट्रैक्टर के अंदर जो है महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 555 जो DI ट्रैक्टर है DLX, इसके अंदर जो है NE452A3A टाइप का जो है इंजन जो इस ट्रैक्टर के अंदर आता है, और जो है ये जो है 4 सिलेंडर जो है ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखे है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर आता है। इसके बोर की बात करें तो 94 mm के जो है बोर के साथ ये ट्रैक्टर, 110 का जो है बोर स्टॉक इस ट्रैक्टर के अंदर है। और बात करें सीसी की तो 3054 cc का बड़ा ही विशाल का है जो इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर आता है, जो 2100 rpm पे जो है रेटेड RPM पे जो है ये पूरी पावर जो है अपनी जनरेट करता है। और जो इसकी फायरिंग ऑर्डर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में जो पिस्टनों में जो फायरिंग ऑर्डर है वो है 1, 3, 4, 2। ये पहले 1 में जो है फायर होगा, फिर जो है 3 में होगा, फिर 4 में, और फिर 2 में जो है ऐसे जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो है फायर होगा। और जो है इसके अंदर जो है फायरिंग इंजेक्टर के जो किस प्रकार के जो इंजेक्टर हैं, तो इसमें पी टाइप के जो है इंजेक्टर इस ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। तो ये था इस ट्रैक्टर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं HP की, तो 50 HP का ये ट्रैक्टर है, 50 horsepower 50 घोड़ों की ताकत इस ट्रैक्टर के अंदर जो है दे रखी है, 50 घोड़ों की ताकत जो है ये ट्रैक्टर आपका लगा सकता है, बड़ा ही विशाल का है जो है किसानों का पसंदीदा अर्जुन अल्ट्रा 555 DI। इसमें जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर के साथ ये ट्रैक्टर है, किसान आसानी से जो है इसको यहाँ से खोल के जो है साफ़ कर सकता है। सामने जो है रेडिएटर दे रखे है, इस ये जाली भी दे रखी है, जिससे जाली जो है अपने रेडिएटर पे जो है धूल मिट्टी और मोटे कण जो जाते हैं वो उसको जो है नहीं जाने देगी। तो ये इस ट्रैक्टर की जो है जाली यहाँ पे दे रखी है। सामने जो इसमें जो बैटरी दे रखी है बिल्कुल सामने, जिससे जो है ट्रैक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो काम करते हैं। ये जो है इस ट्रैक्टर का अल्टरनेटर, जिससे जो है बैटरी वगैरह चार्ज होती है, और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं वो इस ट्रैक्टर के काम करते हैं।
और ये जो इस ट्रैक्टर की भट्टी और भट्टी से जो बाहर निकलता हुआ जो है इस ट्रैक्टर का साइलेंसर, साइड माउंटेड साइलेंसर, बहुत ही शानदार जो है ये ट्रैक्टर कंपनी ने बना रखा है। ये जो है डबल पंप इस ट्रैक्टर के अंदर, ये जो लिफ्टों का और ये जो है इसका पावर स्टेयरिंग का, दोनों पंप जो है यहाँ पे जो है कंपनी ने दे रखे हैं। सामने ये जो पंखड़ियाँ प्लास्टिक की पंखड़ियों के साथ, और ये है वाटर बॉडी इस ट्रैक्टर की, और जो फैन बेल्ट इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखा है। वाटर कूल्ड इंजन ये ट्रैक्टर है, और ये जो है इसका इंजन ऑयल का फिल्टर, ये इसका लिफ्टों का फिल्टर, दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। तेल मापने के लिए यहाँ पे जो ये गेज दे रखे हैं, किसान आसानी से निकाल के जो है तेल को जो है चेक कर सकता है। दो निशान दे रखे हैं इसमें, तो दूसरे निशान पे जो पूरा होगा तो इसका मतलब कि ट्रैक्टर के अंदर जो है पूरा तेल है। और ये इसकी पावर स्टेयरिंग की अलग अलग जो है पाइपें। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी की, तो 60 लीटर का जो है बड़ा ही विशाल का है जो है ट्रैक्टर के अंदर जो है डीजल टैंक कंपनी ने दे रखे हैं। ये इसके फ्यूज बॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं, और जो है यहाँ पे जो है ये स्लब दे रखी है ट्रैक्टर, जिससे जो ट्रैक्टर आपका स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं सिंगल जो है फुट स्टेप के साथ, और फ्लैट पायदान तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग जो है फ्लैट इस ट्रैक्टर के अंदर जो है पायदान। और ये जो है ये ट्रैक्टर जो है डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। ये जो है यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर जो है डबल क्लच इसके अंदर आती है, ये देख रहे हैं आप। और अब मैं आसानी से जो है इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के जो बैठ जाऊँगा, आसानी से जो है किसान इस पर जो है चढ़ के बैठ सकता है। सामने जो है दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये जो है टेम्परेचर का, जिससे ट्रैक्टर कितनी गर्माश पे है, यह RPM मीटर इस ट्रैक्टर का, और ये जो है कितना डीजल है, और ये सारे इंडिकेटर इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखे हैं। ये देखो कैसे जो काम करता है ये क्लस्टर मीटर इस ट्रैक्टर का, और ये जो है पावर स्टेयरिंग, ये जो इस ट्रैक्टर की हाथ वाली रेस यहाँ पे दे रखी है, ये इंडिकेटर स्विच, ये लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, ये आई बीम लो बीम, और जो है यहाँ से ट्रैक्टर को हम बंद कर सकते हैं। ये जो है पार्किंग स्विच यहाँ पे दे रखे हैं, ये हॉर्न, और यहाँ से जो है ट्रैक्टर को हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये ड्राइवर की तीसरी आँख यहाँ पे दे रखी है। ये जो है इस ट्रैक्टर के पोजीशन एंड ड्राफ्ट लीवर, जिसको किसान आसानी से जो है कंट्रोल करके ट्रैक्टर को चला सकता है। ये जो इस ट्रैक्टर के अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल दे रखी है, उनका जो लीवर यहाँ पे जो है दे रखे हैं, और नीचे जो है इनके नीचे एंड ब्रेक, ये जो है यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये इस ट्रैक्टर के जो है एंड ब्रेक है। ये जो है गियर का जो लीवर है, इसमें 1, 2, 3 और ये 4, और ये रिवर्स। कुल मिला के बात करें तो ये जो है इसका आइलो का, दोनों तरफ की बात करें तो जो है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। ये जो इसके ब्रेक और इसके यहाँ से जो है ये लॉक अनलॉक हो सकता है, ये जो है पैर वाली रेस, और ये इस तरफ जो है क्लच, ये जो है इसकी PTO, ये जो है फॉरवर्ड और रिवर्स, आगे करेंगे तो जो है रिवर्स PTO चल पड़ेगी, पीछे करेंगे तो उल्टी PTO इस ट्रैक्टर के अंदर चल पड़ेगी। ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी सारी चेतावनी यहाँ पे दी गई इस ट्रैक्टर की। ये जो है इसकी प्लेट, बात करें इसका SFC तो 251 जो है इस ट्रैक्टर का जो है SFC है। अब जो है बाकी सारी वार्निंग यहाँ पे जो है कंपनी ने लिख रखी है। एडजस्टेबल सीट के साथ किसान अपने हिसाब से इसको जो आगे पीछे ऊपर नीचे जो है एडजस्ट कर सकता है। और जो है पीछे फेंडर की बात करें, ये देखो बहुत ही स्टाइलिश लुक जो ट्रैक्टर में दे रखी है ये फेंडर, और ये जो है फेंडर रेल। नीचे की स्पोर्ट की बात करें तो इसमें जो है 3 स्पोर्ट है, हैवी स्पोर्ट जो है कंपनी ने दे रखी है, जिससे कि जो है फेंडर जो है आपका कभी भी जो है कमज़ोर नहीं होगा। और जो है बात करें पिछले हिस्से की, तो पिछला हिस्सा जो इस ट्रैक्टर का है वो है लिफ्टें वगैरह। तो लिफ्टों की बात करें तो ये सिंगल साइड जो है एडजस्टेबल आर्म इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखी है, बेल टाइप जो स्टे बार दे रखी है। स्टे बार का क्या काम होता है, जब ट्रैक्टर में कोई भी इम्प्लीमेंट डाल देते हैं तो वो टायर पे ना लगे, टायर पे खरोच ना आए, तो ये जो है काम इसका बेलों का होता है। और बहुत ही हैवी ट्यूब, चकोर ट्यूब के अंदर ये जो ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखे है, देखो चकोर ट्यूब बहुत ही हैवी जो पिछला हिस्सा इस ट्रैक्टर का दे रखा है। सिंगल जो है इसमें पीछे जो हम डंडा डाल के जो अपना काम कर सकते हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल, एडजस्टेबल सीट, पीछे जो है रिफ्लेक्टर, और ये रात में काम करने के लिए जो है इमरजेंसी लाइट। बाकी सारी चेतावनी यहाँ पे दी गई है ट्रैक्टर की, कैसे जो है ट्रैक्टर को यूज़ करना है। बात करते हैं लिफ्ट कैपेसिटी की, 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। 2000 kg जो है ये वजन उठा सकता है। अब बात करेंगे इसकी PTO पावर की, तो इस ट्रैक्टर में जो है PTO पावर तकरीबन 44 point something की जो है PTO पावर को ये ट्रैक्टर जो है जनरेट करता है। आप 7 फुटा रोटावेटर जो इस ट्रैक्टर से
आसानी से जो है चला सकते हैं। ये इस ट्रैक्टर की जो है हमने रिव्यू किया है। इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करेंगे, मेन बात जो होती है प्राइस की, तो ये ट्रैक्टर जो है आपको 7.5 लाख रुपए का ऑन रोड जो है आपको ये ट्रैक्टर गुवाणा की डीलरशिप से जो है मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई हमें कमी लगी हो आपको, तो वो जो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम सुधार करेंगे। और जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो है लेके आ सकें। सभी किसान भाइयों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को दिया। अगर कोई गलती रही हो तो हमें माफ़ करना। सभी किसान भाइयों धन्यवाद।